नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ज्ञाति दीपक राज में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, एएलपी का एक और टेक्नीशियन का अगर आप एग्ज़ाम दिए तो आप जान लें कितना कहाँ का कट ऑफ मार्क उठ रहा है। चलिए, मेरे बताने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग को भी मालूम चले कहाँ का कट ऑफ कितना उठ रहा है। चलिए, आप सबसे पहले मैं बता रहा हूँ त्रिवेंद्रपुरम का जनरल का उठेगा 30 से 31, ओबीसी 22 से 25 और एससी का 22 23 और एसटी का 18 से 19 उठ सकता है। इसके बाद है आपका जम्मू को आपको आ सकता है जनरल 30 से 31, ओबीसी 22 23, एससी 22 23 और एसटी 18 से 19 उठ सकता है। अगला है आपका चेन्नई का अदर का उठेगा 30 से 31 और ओबीसी का 22 23, एससी 22 23, एसटी 18 से 19 उठ सकता है। इसके बाद आपका आएगा बेंगलोर का उठ रहा है अदर का 30 से 31, ओबीसी का 22 22 से 23 और एससी का हो रहा है 22 से 23 और एसटी का उठ रहा है 18 से 19। अगला आपका है सिकंदराबाद का जनरल का 30 से 31 है, ओबीसी का 23 से 24 और एससी का है 23 से 24 और एसटी का है 19 से 20। इसके बाद है आपका अहमदाबाद का अदर का है 30 से 31 और ओबीसी का 25 से 26, एससी का है 23 से 24 और एसटी का है 19 से 20। इसके बाद है आपका मुंबई का हो रहा है अदर का 31 से 32, ओबीसी का 26 से 28 और एससी का हो रहा है 24 से 25 और एसटी का 30 से 31 हो रहा है। चलिए, अगला है आपका चंडीगढ़ का अदर 31 32 और ओबीसी 26 28 और एससी 24 से 25 और एसटी का है 20 से 21। अगला है बिलासपुर का अदर का है 32 से 33 और ओबीसी 27 से 28, एससी का है 25 से 26 और एसटी का है 21 से 22। इसके बाद अगला है आपका भुवनेश्वर का जनरल का है 32 से 33 और ओबीसी का 27 से 28 है और एससी का है 25 से 26 और एसटी का 21 से 22 है। इसके बाद है आपका अजमेर का है जनरल का है 34 से 35 और ओबीसी का 30 से 31 और एससी का है 28 से 29 और एसटी का है 25 से 26। इसके बाद है आपको भोपाल में जनरल का है 34 से 25 और ओबीसी का 30 से 31 है और एससी का 28 से 29 है और एसटी का 25 से 26 और दूसरा गोरखपुर का है अदर का है 41 से 42, ओबीसी का 36 से 37 और एससी का 32 से 35 और एसटी का है 27 से 28 और ये है मालदा का है जनरल 42 से 43, ओबीसी का 37 से 38, एससी का है 33 से 34। इसके बाद है आपको सिलीगुड़ी का जनरल का 46 से 47 और ओबीसी का 42 से 43, एससी का है 39 से 40, एसटी का है 30 से 31। इसके बाद है आपका रांची का जनरल 47 से 48, ओबीसी 43 से 44, एससी का 40 से 41 और एसटी का 31 से 32 है। इसके बाद है मुजफ्फराबाद अदर का 47 से 48, ओबीसी का है 43 44, एससी का 40 से 41 और एसटी का है आपका 31 से 32। बहुत अच्छा है। इसके बाद है आपका गुवाहाटी का जनरल का है आपका 49 50 49 50 और ओबीसी का है 47 48, एससी का 42 से 43, एसटी का है 34 से 35। चलिए, इसके बाद है आपका कोलकाता का जनरल का है 51 से 52 और ओबीसी का 45 46, एससी का 41 से 42 और एसटी का 37 से 38। इसके बाद है आपका पटना का है जनरल का है आपका 51 से 52, ओबीसी का 45 46, एससी का है 41 से 42 और एसटी का 37 से 38। चलिए, ये पटना में बहुत कटक मार्ग हाई उठाया हुआ है। इसके बाद आपको बता रहे हैं हैदराबाद का अदर का है 52 से 53 और ओबीसी का है 47 से 46 से 47 और एससी का 42 से 43, एसटी का है आपका 39 से 39।